चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि है यूजर फॉर्म। हम आपको यूजर फॉर्म पढ़ा रहे थे और यूजर फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे। तो यूजर फॉर्म में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि किस तरीके से आप फॉर्म से डेटा पे अपना भेजेंगे। यदि सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का डेटा सीट पे चला जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमारा विजुअलाइज, एक मिनट, एक फॉर्म हमने लास्ट क्लासेस में इस पे डिस्कस किया था आपके साथ। मैंने बहुत सारा फॉर्म बना ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म में जो भी हम डेटा डालेंगे, जैसे कि हमने डाल दिया मान लीजिए पूजा, पूजा सिटी मान लीजिए हम डाल देते हैं दिल्ली, मोबाइल नंबर डाल देते हैं अपना कुछ भी, अमाउंट डाल देते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, डेटा को सबमिट कर दे रहा है, इसमें यहाँ पे लिस्ट में एक के नीचे एंट्री कर दे रहा है, राइट। अब दूसरा चीज में करना है कि मुझे फॉर्म बनाना है कि मैं यहाँ सीरियल नंबर लिखूं तो यहाँ सर। पे जो डेटा को लोड कर। हेलो हाँ जी, सर, आपने जो डाटा पहले तो केवल आपने जब पहले बताया था लास्ट क्लास में, उसमें तो केवल सर आपने कहा था फॉर्म डिजाइन करना है बस, उसके बाद आगे क्लास ही नहीं हुई सर। नहीं, एक क्लास हुई थी जिसमें डेटा सेंड करना बताया था आपको, एक से फॉर्म से सीट पे, लेकिन नहीं सर, उसके बाद क्लास हुई नहीं है कोई। चलिए मैं अभी तो भी बता देता हूँ। चलिए मुद्दा पे, ओके लो 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 देर। अब मुझे सेम फॉर्म चाहिए, सेम फॉर्म डिजाइन करना है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया यूजर फॉर्म और यूजर फॉर्म को हमने रिसाइज किया, और उसके बाद मुझे सेम ये जो फॉर्म है इसी का पूरा चीज मुझे इस पे रखना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया और इस चीज में पेस्ट कर, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, क्योंकि छोटा और कर देता हूँ। इस तरह से फॉर्म को हम नकल कर लिए, तो दो फॉर्म हो गए। तो फॉर्म वन में एक बार मैं समझा देता हूँ क्या कोडिंग कर रखा है। हमने सबमिट पे कोडिंग कर रखा है, हमने कोडिंग कर रखा है यहाँ पे कि डेटा भेजना है कि सीट वन रेंज 65,000 से एंड ऑफ और ऑफसेट, और हमने बोला कि एम मतलब कि एक आईडी होगा, डेट होगा, टाइम होगा और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। जैसे कि हमने आपको याद होगा सीट वन में बताया, सीट पे बताया था कि एक सीट से दूसरे सीट पे जो डेटा भेजते हैं उसी सेम मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि जब मैं इसको प्ले करूं, यहाँ पे मैं नंबर डाला, वन नंबर डाला, तो एक नंबर के जो भी डिटेल्स है मुझे यहाँ पे शो कर, ठीक है। एक नंबर के जो भी डिटेल्स है उस सारी डिटेल्स हम यहां शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अभी डिसाइड का आपको ये करना पड़ेगा कि आखिर हमें जो हम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो किस पर्टिकुलर एक्शन पे परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि यहां इस पे जब मैं क्लिक चेंज करूं, डेटा एंट्री करूं, तो मैं इस पे डबल क्लिक किया और चेंज रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूं कि डिम आ यहाँ पे एन नंबर एज ए हमने कर दिया लॉन्ग, और फिर इस एन को यहाँ पे लोड करता हूं कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप मैचिंग करते हैं तो यहां पे देखिए क्या है, ये हमारे पे नंबर है, यूनिक नंबर क्या है इन द नंबर फॉर्मेट, बट टेक्स्ट बॉक्स में जब हम वैल्यू डालते हैं यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर मतलब कि जो एक्सेप्ट करता है वो करता है टेक्स्ट फॉर्मेट में।
लुकअप में दिक्कत हो सकती है, मैचिंग में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैचिंग में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने यहां पे किया हुआ। उसके बाद दिक्कत है कि हम यहां पे चेक करते हैं, तो यहां पे हम पहले करेंगे पी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ शीट्स डेटा, यहाँ पे सीट वन जो भी सीट का नेम है, सीट वन डॉट रेंज ए से, ठीक है, और किसको करना है, एन को करना है, क्योंकि यहां पे सीट वन के एक कॉलम में पहले देखेंगे वो नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके बाद मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ P is not equal to zero, then तो if P is not equal to zero then यहां का row equal to यहां पे application देते हैं वापस डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, मैच में भी हम सेम देंगे शीट्स, और शीट्स में यहां देंगे शीट वन डॉट रेंज ए से लेके ए तक कॉमा एन, एन नहीं होगा एन ही होगा, नहीं हमने गलत कर दिया, यहां जीरो होगा स्टार्टिंग में, यहां एन होगा, एन को ढूंढना है इसमें। तो मैच क्या करेगा, रो नंबर आपको देगा। उसके बाद मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट्स के अंदर यहां पर देते हैं शीट वन डॉट सेल्स, क्योंकि मुझे रो नंबर में है आर कॉमा टू, मतलब कि जो रो फाइंड आउट होगा उसकी रो नंबर एंड कॉलम डॉट वैल्यू, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो शीट नंबर टू की जगह पे थ्री हो जाएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक ही है, और यहां पे टू की जगह पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहां पे आ जाएगा आपका। सर इसमें डायरेक्ट वी लुकअप भी तो लगा सकते हैं ना, वी लुकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी कि अगर आपका डेटा यूनिक आईडी स्टार्टिंग में हुआ तभी ना, अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो फिर आप इसी मेथड पे आओगे ना,
हाँ यूनिक नहीं है देन प्रॉब्लम होगा, लेकिन वीलुकअप या कुछ भी मैच लगाए तो हमको यूनिक तो रखना ही पड़ेगा किसी भी डेटा में एक्चुअली। हाँ और इसलिए मैंने ये मेथड बताया था कि हर डेटा पे करें। हाँ ओके, लेकिन ये भी फर्स्ट डेटा को ही चेक करेगा जो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दो चीज का होता है कि जब मैंने मैच लगाया नहीं तो फिर काउंट क्यों लगाया? काउंट इफ सर नंबर वन चेक करेगा, काउंट इफ तो काउंट करके देगा ना, अकाउंट करके नंबर एक रिटर्न करेगा। वही तो बोला हूं। तो फिर मैं मैच ही तो मैच ही करेगा, मैच डेटा होगा, क्योंकि मैच जो अगर मान लो कि वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैच का रिटर्न नहीं होगा जीरो, और मैच का रिटर्न नहीं होगा एरर, और आर पे एरर स्टोर नहीं होगा क्योंकि आर एरर को स्टोर नहीं करेगा, वो सिर्फ डेटा को स्टोर। यहाँ पर दिक्कत होने के चांसेस है, प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ही, इसलिए हमने काउंटिंग पे लगाया कि काउंटिंग का रिजल्ट जो है वो जीरो आता है, नंबर पे इनमें का एरर नहीं आता है। ठीक है, तो पहले काउंटिंग से चेक करेगा कि जो नंबर हमने डाला वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो उसका रोल नंबर क्या है। और पेम खान पांडे जी आपके फॉर्म में भी कर सकते हो कि आप उस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में काउंटिंग करोगे कि प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है कि नहीं है उस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट, अगर प्रोडक्ट आईडी सॉरी आपका जो ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, अगर ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट करता है तो उसी ऑर्डर आईडी को कॉल करो। नहीं सर, उसमें एक्चुअली एक ये दिया हुआ है ना फॉर्मेट, क्योंकि डेटा एक टेम्पररी शीट में ऐड होता है और जैसे ही हम सबमिट बटन के बाद एक नीचे प्रिंट जो आपने देखा था उस प्रिंट पे क्लिक करते हैं, डेटा टेम्पररी शीट से उठा के परमानेंट शीट में डाल देता है विथ ऑर्डर नंबर। हाँ तो ऑर्डर नंबर हम माने की कहने समझ रहे हैं, ऑर्डर नंबर आपका तो टेम्पोरेरी शीट में ही होता है ना। नहीं सर, वहां से वो डिलीट हो जाता है, जैसे ही प्रिंट करते हैं वहां से डिलीट होकर परमानेंट शीट में चला जाता है, फिर मेरे को दो अलग अलग सीट से वो काउंटेस करवाना पड़ेगा। हाँ तो करवा लो ऑर्डर आईडी, मान लीजिए कि एक कस्टमर ने दिन में 10 ऑर्डर दिए हैं तो उसका ऑर्डर आईडी एक ही होगा कि 10 हो? हाँ उसका 10 होगा, अगर 10 अलग अलग टाइम पे दिया तो, लेकिन एक ही टाइम पे 10 ऑर्डर देगा तो एक ऑर्डर होगा सर। तो प्रिंट कब करोगे आप? प्रिंट में तो जिस समय वो ऑर्डर लेगा उस समय प्रिंट करूंगा। नेक्स्ट टाइम जो दोबारा फॉर्म कब भरोगे आप एक कस्टमर का? सपोज हमारे पास दो कस्टमर आया, एक राम एक श्याम, राम ने ऑर्डर दिया कि मेरे को ये सामान दे दो, मैंने उस समय उसका ऑर्डर बुक किया सिस्टम में, मैंने उसको सबमिट मारा, उसको उसी समय प्रिंट देना होगा क्योंकि अगले कस्टमर को मैं वेट नहीं करा सकता। और इसमें सर प्रॉब्लम ये है कि अगले कस्टमर को तभी मैं दे पाऊंगा जब तक पहला ऑर्डर फिनिश नहीं होगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, जब ऑर्डर प्रिंट हो गया इट मीन ऑर्डर कंप्लीटेड, तो ऑर्डर आईडी बिल्कुल अब बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो नेक्स्ट ऑर्डर आईडी जनरेट होगा ना, हाँ बिल्कुल यूनिक ऑर्डर होगा नेक्स्ट टाइम। तो वही ना। अब एक मान लीजिए मास्टर सिर्फ आपने प्रिंट मार दिया, इसका मतलब क्या ऑर्डर इज कंप्लीकेटेड कंप्लीटेड, तो ऑर्डर हाँ आईडी सर बिल्कुल, आप नेक्स्ट ऑर्डर आईडी आप मान ले उसी कस्टमर का अगर दोबारा से ऑर्डर बनाओगे तो उसका ऑर्डर आईडी नया ऑर्डर प्रिंट देंगे, होगा ना। नया ऑर्डर देंगे सर। ये एप्लीकेशन वाला आपने ऑर्डर आईडी को चेक करना तो आपको एक अलग फॉर्म बनाना पड़ेगा जो कि ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आपकी डिटेल्स निकाल के देगा। सर, ये मैच वाला और ऐप ये काउंट वाला बता देंगे सर एक बार दोबारा से, ये समझ नहीं आ रहा है क्या कर क्या रहा है ये। एक काउंट देखिए पहले क्या है कि जैसे मैं यहां बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे वन लिखा ना, तो काउंट क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि ए वन नंबर यूनिक कॉलन ए में अवेलेबल है या नहीं है, राइट? अगर अवेलेबल है तो उसका काउंट देगा वन टू, जो भी जितना बार रिपीटेड होगा उतना काउंट देगा। फिर मैच क्या कर रहा है कि इस वन नंबर का रो नंबर निकाल रहा है टू, और उस रो नंबर के बिहाफ पे हम अलग अलग कॉलम के डेटा यहाँ पे फिल करवा रहे हैं, ठीक है सर। समझे? तो ये वन जो डाला हमने टेक्स्ट बॉक्स वन में वो एन पे स्टोर हो गया, और काउंट इफ ने इसको काउंट किया कॉलन में, क्योंकि काउंट इफ डायरेक्ट नहीं लग सकता इसलिए हम इसको वर्कशीट फंक्शन से दिए हुए।
सर जो एन पे जो मैच के बाद में आपने जो एन डाला हुआ है, ये एन क्या है, ये वेरिएबल बना रखा है ये क्या, क्या हाँ ये यहाँ मतलब आप इसपे? सही से देख ही रहे हैं, ये नंबर। हाँ जी, हाँ जी। और सर मई डॉट टेक्स्ट बुक क्यों लिखते हैं, खाली टेक्स्ट बुक वन भी तो लिख सकते हैं, क्या जो मी मई डॉट लिखने के बाद टेक्स्ट। ना टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ जाता है भाई। मी इट मीन्स, नहीं मी इट मीन्स एक्टिव यूजर फॉर्म। मेरे पास दो तीन यूजर फॉर्म है, तो मी इट मीन्स एक्टिव यूजर फॉर्म। जैसे हम लोग एक्टिव वर्कबुक करते हैं, एक्टिव सीट करते हैं, ऐसे मी यहाँ यूजर फॉर्म के लिए मी आता है। मतलब अगर चार पांच फॉर्म अगर हमारे पास रो वाइज है, तो जिसमें हम मी लगाएंगे वही एक्टिव हो जाएगा। हाँ मी मतलब कि एक्टिव फॉर्म, मतलब कि जब प्ले होगा ना जो, तो किसका टेक्स्ट बॉक्स वन वैल्यू लेनी है, तो मी का लेना है। तो मी ना लिख के यहाँ पे हम यूजर फॉर्म वन या यूजर फॉर्म टू भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ किसी भी यूजर फॉर्म का डेटा टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी ये ले सकते हैं सर। हाँ अब यहाँ पे एक दिक्कत आया कि मैं यहाँ पे वन लिखूंगा तो डेटा तो आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ टाइप मिसमैच आ रहा है। क्यों? जैसे हमने यहाँ पे डिलीट किया तो टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो ब्लैंक जो है वो टेक्स्ट होता है, तो ये हमारा एमपे स्टोर नहीं होगा, तो इसको हम हटा भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमें अच्छा बेनिफिट यही रहेगा कि मैं लिख दूंगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो अब मैं यहां पे अगर वन, यहां पे वन लिखा तो डेटा आ गया। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे हमने डिलीट किया और दूसरा नंबर लिखेंगे तो हमारा डेटा चेंज हो रहा है, तीसरा नंबर देंगे तो ऑल्सो चेंज हो रहा है। पर दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि जब तो मैं डिलीट करता हूँ तो ए भी सारा डिलीट होना चाहिए, तो लाइव परफॉर्मेंस दिखेगा कि ए भी सारा ब्लैंक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने इफ कमांड लगाया हुआ है ना, कि इफ के ट्रू पार्ट में मैंने वैल्यू को रिट्रीव करवाया है, फॉल्स पार्ट पे हम ब्लैंक करवा देते हैं। कि एस यहाँ लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू से स्टार्ट करेंगे, कि वन में तो लिख ही रहे हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, एंड टू के जगह पे थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स एंड देन सेवन। अब क्या होगा कि जैसे मैं वन लिखा डेटा आया, डिलीट किया डेटा गया, टू लिखा डेटा आया, डिलीट किया डेटा गया, फोर लिखा डेटा आया, डेटा गया। सर इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्या? सपोज जैसे आपने वहां पर वन लिखा और आपने सबमिट कर दिया तो डेटा ऐड हो जाएगा। नहीं सबमिट पे कोई कोडिंग नहीं है अभी। नहीं अगर कोडिंग कर देंगे तो ऐड हो जाएगा ना सर वो। अब जैसे कि हाँ, अब जैसे कि इसमें मैं चाहता हूं कि एक ही बटन से मैं डेटा, मैंने एक ही फॉर्म, जैसे अब यहाँ पे हमें दो फॉर्म बना रखा है, एक डेटा ऐड करने के लिए और दूसरा डेटा को रिट्रीव करने। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद डेटा वन करता हूं, राइट। अब इसमें दो चीजें, इसमें इस फॉर्म्स में तीन चीजें करना चाहता हूं, मैं डेटा को व्यू भी करना चाहता हूं, डेटा को चेंज भी करना चाहता हूं और न्यू डेटा को ऐड भी करना चाहता बिल्कुल हूं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे कि जब हम फॉर्म ओपन करें, जब हम फॉर्म ओपन करें, फॉर्म ओपन किया तो फॉर्म, जब भी फॉर्म ओपन हो तो यहां पे सबमिट के जगह पे सर्च है। जब मैं सर्च पे क्लिक करूं तो डेटा, सर्च पे क्लिक करूं तो सर्च जो है चेंज, जैसे एक मिनट में यहां पे सबमिट के जगह पे मैं करता हूं सर्च, सर्च ठीक है। और उसके बाद मैं फॉर्म इनिशियलाइज करूंगा यहाँ पे इनिशियलाइज में, और यहाँ दे दूंगा कि मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट एनेबल इक्वल टू फॉल्स, या फिर इसका एक फॉर्म बना लेते हैं, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं कि
फंक्शन ई एन एन एज ए बुले एन नहीं करते पी कर देते पी नहीं ओ करते ओ एज ए बुले बुले और यहां पे करते हैं मी डॉट टेक्स वॉक्स वन डॉट एनेबल इक्वल टू ओ। कई सारी जगह भी यूज करना है इसलिए तो यहाँ पे टू हो जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो जब यूजर फॉर्म में ओपन करूं तो मी डॉट मी नहीं यहाँ पे हो जाएगा ई एन के कर सकते के इक्वल टू ई एन और यहाँ पे अप्लाई करती मैंने ओ नहीं ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा ठीक है। जब प्ले होगा तो मैं अब किसी पे क्लिक नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूं ये सारा अनेबल हो जाना चाहिए। सर्च पे क्लिक करूं तो पूरा अनेबल होना चाहिए ठीक है। सर्च पे जब क्लिक करूं तो इस पे हम बटन पे कोडिंग करते हैं कि इफ तो यहां लिख दिया कि इफ मी डॉट कमांड बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू सर्च दैन क्या चले के इक्वल टू एन इसके जगह पे हमने ट्रू कर फायदा हो गया ना अपना फिर दोबारा सारा लिखना पड़ता कोड। अब जैसे कि हम प्ले करेंगे और ये कुछ नहीं कर सकते जैसे सर्च पे क्लिक किया तो एक्टिव हो गया क्या सर। अब मैं यहां पे करना चाहता हूं एडिट सर्च जब ये सर्च पे क्लिक हो जाए तो ये एडिट हो जाए यहां क्या हो जाए एडिट हो जाए। तो कमांड है कि सर्च पे क्लिक किया देन उसी में वो कैप्शन नेम चेंज कर देंगे सर इसका। हाँ तो यहां ठीक है सर इक्वल टू हमने कर दिया। अब यहां भी ध्यान रखिएगा ये तो सर ठीक है जैसे मैं यहां पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये एडिट हो जाएगा और यहां पे दिख रहा है आपको ये आ गया। लेकिन एडिट अनेबल कब होगा जब वैल्यू रिट्रीव करेगा ठीक है। एडिट करते ही डिसेबल होना चाहिए क्योंकि जब तक वैल्यू मिलेगा नहीं तो कैसे लुक करेगा। तो यहां पे हम कर देते हैं मी डॉट कमांड बटन वन डॉट अनेबल इक्वल टू फॉल्स। डिसेबल कब होगा यहां जब इसको मिलेगा तो यहां लिख देते हैं यहां पे मी डॉट कमांड बटन वन डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू एल्स कॉपी फॉल्स ठीक है। तो अब जब प्ले करेंगे हम यहां पे तो अभी कुछ पे क्लिक नहीं कर रहा है सर्च पे क्लिक किया अभी डिसेबल हो गया वन पे क्लिक किया अभी एडिटेबल। अब मैं यहां एडिट पे क्लिक करूंगा ठीक है एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा को एडिट होना चाहिए राइट। इस पे कमांड यहां होगा कि इफ मी डॉट कमांड बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू दैट
देन क्या हो, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं चलेगा, और यहां पे रखेंगे और उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उल्टा। इक्वल टू मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट, समझे? उसको सर्च करके वो एडिट कर देगा। फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे सेवन और यहाँ पे टू कॉमा यहाँ पे थ्री फोर सिक्स हो गया, फाइव सिक्स सेवन ऊपर ऊपर सिक्स थ्री, ठीक है। और एम एस जी बॉक्स डेटा हैव चेंज, मैसेज आएगा। तो अब जैसे हम प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद हम सर्च पे करेंगे, आपने एंड इफ कर तो दिया। अच्छा यहां दो एंड इफ करना पड़ेगा, दो एंड इफ करना। अब जैसे कि हम इसको प्ले करेंगे और यहां पे सर्च पे क्लिक किया, कौन सा चल रहा है तो पहले ही सर्च कर रहा है सर, वो क्लिक करने पे नहीं सर्च नहीं कर रहा है। वहां इंडिफ के बदले में एल्स दे सकते हैं क्या सर ऊपर में, अगर सर्च है तो वो करे नहीं तो फिर नहीं, यहाँ पे एल्स का अलग है, यहाँ पे करना है डिम एन एज ए लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल नहीं है, ठीक है लॉन्ग मैं यहां पे करता हूं पूजा के जगह पे पूजा सिंह और एडिट करता हूं, पूजा सिंह हो गया, ठीक है सर। अब जैसे कि मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं, अब देखिए डिसेबल हो जा रहा है ना, एडिट डिसेबल हो जा रहा है। अब ये सर्च आना चाहिए जैसे वो ब्लैंक हो, ब्लैंक नहीं यहाँ एडिट डिविजिबल हो गया ना, सर्च पे तो एक इनेबल कर दिया, अब ब्लैंक हो तो यहाँ पे न्यू आना चाहिए, ठीक है न्यू आना चाहिए और ये अनेबल हो जाना चाहिए और न्यू आना चाहिए। तो यहाँ सर्च में जहां पे हमने ये किया ना यहाँ चेन में इसमें अनेबल इक्वल टू फॉल्स, इसके जगह पे हमें ट्रू करना पड़ेगा और यहां पर हो जाएगा नी डॉट कमांड बटन वन डॉट वैल्यू कैप्शन, कैप्शन इक्वल टू हो जाएगा यहां पे नी, ठीक है। और यहां पे जैसे हम यहां पे सर्च पे क्लिक किया आ रहा है,
न्यू आ रहा है ना। अब जब मैं न्यू पे क्लिक करूं तो फिर न्यू वाला कमांड, ये आपको करना है, ठीक है ना। न्यू पे अभी देखिए कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूं तो फिर ये तीनों डिसेबल होना चाहिए, इसमें यूनिक आईडी आना चाहिए और नेम होना चाहिए, और न्यू जैसे क्लिक करते न्यू सबमिट बन जाना चाहिए, समझे। आया समझ में? यहाँ पे नीचे कमांड यहाँ हो जाएगा इफ मी डॉट कमांड बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू न्यू देन मी डॉट कमांड बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू होना चाहिए सबमिट। आप समझ में आया? हाँ सर। एक ही बटन से कितने, एक ही फॉर्म से कितने काम हो रहे हैं। सर्च पे क्लिक किया, हम यहाँ डेटा को सर्च कर रहे हैं, सर्च करने एडिट हुआ, जैसे मैं यहाँ ब्लैंक किया न्यू आ गया, न्यू पे क्लिक करूंगा ये सबमिट बन जाएगा और डिसेबल हो जाएगा तीनों, और यहाँ पे जो चीज होती है जो पहले वाले फॉर्म में है, उस पहले वाले फॉर्म में जो पहला वाला फॉर्म है वो एक्टिव हो जाएगा। पहले फॉर्म में क्या है कि बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं कि नेम आईडी डेट एंड टाइम और सब चीज डिफॉल्ट आ रहा है, एज ए डिफॉल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो फाइल में आ सीरियल नंबर, सर नंबर लेके, हाँ ये नहीं समझ रहे आप फॉर्म में, सर आपने फॉर्म भेज रहा हूँ उसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कनेक्ट कर दिया ना, क्या बोल रहे हैं? आपने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया ना लास्ट में जाकर। हाँ ठीक है, ठीक है। फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूँ और दिक्कत होगा तो आप एक बार देख लीजिए। और लोकेश शेट्टी जी, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि आपके हेडफोन सही से वर्क नहीं कर, सर। तो एक क्लास ओवर करता हूं।